जय जयपुर नगर पंचायत में दो शासकीय विद्यालय हैं, एक बालक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा दूसरा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जय जयपुर, जिसमें की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बंद करते हुए वहां पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। जबकि छात्र चाहते हैं कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंद हो जाने पर तथा वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण हो जाने पर हम कहीं के नहीं रहेंगे। यदि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन को सुचारू रूप से चालू किया जाए तथा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए अलग से विद्यालय खोला जावे, इन मांगों को लेकर छात्राओं के द्वारा तहसीलदार, थानेदार एवं उच्च अधिकारियों को विद्यालय संचालन के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जय जयपुर को यथावत चालू रखा जावे और जो शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है उन पर रोक लगाई जाए। यदि रोक नहीं लगाई गई तो छात्रों के द्वारा 23 फरवरी को सांकेतिक आंदोलन की चेतावनी भी दिए हैं। आप लोग जो ज्ञापन दिए हैं अभी, तो क्या चीज का ज्ञापन दिए हैं? हमारा स्कूल बंद किया जा रहा है और हमारे सर मैडम का भी ट्रांसफर अलग हो गया है। अभी इंग्लिश मीडियम ज्यादा दिन लगा नहीं हुआ है, हम लोग वहाँ से पढ़ रहे हैं बचपन से, हमारा स्कूल बंद कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं। तो कौन से स्कूल में वो परिवर्तित हो रहा है? वो बॉयज स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग बॉयज स्कूल नहीं जाना चाहते, हम लोग कन्या स्कूल ही चाहिए हम लोग हिंदी मीडियम। क्या नाम है? कीर्ति सहित। आप जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या कारण से दे रहे हैं ज्ञापन? हम लोग का इंग्लिश कन्या स्कूल हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने? हिंदी मीडियम कब से है और इंग्लिश मीडियम कितना दिन हुआ है उसको आए, तो हम लोग को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग हिंदी मीडियम कहाँ जाएंगे? 600 बच्चे हैं, कहाँ पढ़ने जाएंगे सब? अच्छा, आपका क्या नाम है? दुर्गेश्वरी साहू।